अटेंड करने वाले हैं जीवा की और अपने भी। क्यों? भूख लगी। क्या खाना है? डोसा। तो ये फ्रेट नाइट, तो ये जीवा को डराने के लिए ले लें। जीवा आपके लिए देखो। हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वेरी 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 स्पेशल व्लॉग। सो गाइस, आज का ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि हम अटेंड करने वाले हैं जीवा की और अपने भी फर्स्ट एवर पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो गाइस, देखते देखते जीवा इतनी बड़ी हो गई है कि आज हमें उसकी पीटीएम में जाना पड़ रहा है। आज से पहले बस अपनी खुद की कंप्लेंट्स आती थी, आज जाते हैं और देखते हैं जीवा की क्या क्या कंप्लेंट्स हैं। आज पता चलेगा इसकी मैम से कि ये क्या क्या करती है, कैसे कैसे करती है। काफ़ी सारी, मुझे तो मैं श्योर हूँ कि इसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स आने वाली है, क्योंकि बिल्कुल भी शांत नहीं बैठती है। कभी रोने की कंप्लेंट्स हैं, कभी भागने की है, एक जगह टिक के बैठने की कंप्लेंट्स है। तो कंप्लेंट्स तो बहुत आने वाली है आई एम श्योर। बाकी अगर कोई मिरेकल हो जाए तो मुझे पता नहीं कि कोई कंप्लेंट्स ना आए, लेकिन अभी तक के लिए तो मैं श्योर हूँ कि इसकी कंप्लेंट्स आएंगी। और ये रियल पेरेंट्स वाली फीलिंग है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, जीवा हमारी फ़ोन देख रही है। जीवा फ़ोन देख रहे हो क्या आप? आंचल का ब्रेकफास्ट चल रहा है और मैं अभी बस ब्रेकफास्ट करके और हम निकलते हैं जीवा की पीटीएम के लिए। गौर से देखिए इस लड़की को, इसकी कंप्लेंट्स क्यों ही ना आए। लड़की कंप्लेंट्स क्यों ना आए, जितना ही मासूम उतना ही शैतान चेहरा है ये, है ना बेटा? सो गाइस, चलते हैं अब जीवा की पीटीएम में। जीवा, आज तो आपकी पीटीएम है ना, तो चलते हैं और जाके लेके आते हैं जीवा की कंप्लेंट्स का पिटारा। इतनी सारी कंप्लेंट्स आने वाली, बेटा क्या क्या कंप्लेंट्स आएंगी आज? तो अटेंड करते हैं जीवा की और हमारे भी फर्स्ट एवर पीटीएम। तो पहुंच गए हैं जीवा के स्कूल। और यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के कंप्लेंट सुन रहे होते हैं और हम भी वेट करते हैं कि बस हमारा नंबर कब आएगा और हम जीवा की कंप्लेंट सुनेंगे। जीवा का कुछ काम जो जीवा ने किया है, ये आपने किया है क्या? वाह, वेरी गुड। ये किसने किया? ये मैंने। वाह, वेरी गुड। दिखाओ और हम यहाँ पे पीटीएम में गए थे जीवा की कंप्लेंट सुने और ये जीवा जाके मैम से हमारे ही कंप्लेंट करने लग जाती है। पागल बोल के दिखाओ पहले। क्यों पागल बोलो पहले? क्यों पहले पागल तो बोलो। क्यों? लेकिन पागल बोलो क्यों? मैम से शिकायत करोगे मेरी? पागल तो बोलो। आप मैम से शिकायत करोगे? अरे पागल तो बोलो। पागल अभी मैं मैम अभी बात मैम से बात तो गाइज, ये है जीवा के स्कूल का प्लेग्राउंड विच इज़ सो बिग एंड सो स्मार्ट। जीवा मज़ा आया? आपकी कंप्लेंट्स तो आई नहीं। पर जीवा के स्कूल में एक छोटा सा बुक फेयर टाइप, आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू कॉल, बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं। जीवा के स्कूल में बुक स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर जीवा बुक्स हैं। बुक्स लेनी है? दिखाओ, उठाओ, उठा के बताओ विच वन। तो ये फ्रेट नाइट, तो ये जीवा को डराने के लिए ले लें। जीवा आपके लिए देखो बुक, भूत वाली बुक दिखाओ। वो ये ले लें आपके लिए? नहीं। ले लो। चलो आओ जीवा, चले फिर। नहीं आपके मतलब कोई? मैं स्कूल जाऊंगा ना। हाँ स्कूल जाऊंगा।
हाँ तो स्कूल जाना है। चलो चलो, बहुत ओवर एक्टिंग के पैसे कटेंगे। चलो, किचन के बिल्कुल ही विरुद्ध इसकी कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। ओवरऑल शी इज़ अ वेरी वेल सेटल्ड गर्ल इन हर क्लासरूम। जीवा इनफैक्ट ही हमारी कंप्लेंट करने लगी थी स्कूल में कि मम्मा ने मुझे डांटा, डैडा ने मुझे डांस नहीं करने दिया। तो ओवरऑल पीटीएम वाज गुड, इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो बस अभी चलते हैं और कुछ खाते हैं। क्या खाना है? डोसा। डोसा तो गाइस इट स्टार्टेड, अभी तो आपको डोसा खाना था। हैं स्टार्टेड डोसा एंड एंडिंग अप विद KFC। हाँ तो आपने तो बोला था कि डोसा खाना है। ये मम्मा का है। हाँ गिर जाएगा, गिर कर डालो अपना। कौन सा खाना है? चिकन लेग पीस। ये तो विंग्स है। क्या है ये? लेकिन आपको तो डोसा खाना था ना। ये तो ये खाना था। अभी तो आपने डोसा बोला था। भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गी की बांग हमें कोयल की। रे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू तू उसको पिला दो थोड़ा सा। गाइस इट स्टार्टेड विद डोसा एंड एंडिंग अप एट KFC है ना। डोसा बोल के चिकन खाने वाले बच्चों, जनता माफ नहीं करेगी। ये कोल्ड ड्रिंक मैं पी लूँ थोड़ी सी? नहीं। थोड़ी सी पी लूँ? थोड़ी सी आप तो कोल्ड ड्रिंक है ना। तो मैं अपनी वाली पी लूँ क्या फिर? हाँ अपनी पी लो। पूरी बकेट में एक भी लेग पीस नहीं था और जीवा को लेग पीस पसंद है। तो वेरी काइंड KFC, they have given us an extra and they, without any cost, one leg piece. ये आपके लिए दिया हूँ। आपको leg piece पसंद है ना? ये आपके लिए दिया, लेकिन ये गर्म है। ये गर्म है। Complimentary leg piece मिला है, जो कि इसमें नहीं था। और दीवा खाएगी इसको। खाओगे ना? Chicken leg piece? आपको पसंद है? कैसे खाते हैं leg piece? ऐसे खाते हैं?